अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं आस्ट्रो हीलिंग और मैं हूं आपका होस्ट मिर्जा हमजा। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है आपका दिन जुमा कैसा रहेगा, 6 दिसंबर आपके लिए कैसा रहेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नए आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं जिनके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बुरज हमल, आपको आज कुछ टेंशन का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अगर आप टेंशन को खुद पर सवार कर लेंगे तो बहुत जल्द टूट जाएंगे। हर जज्बे और एहसास को एक वक्त महसूस करें, लिहाजा टेंशन को खुद पर सवार ना करें। अपनी जाती और पेशेवराना जिंदगी में तवाजन कायम करने की कोशिश करें। अगर आप चाहें तो अपनी जिंदगी की तमाम मामलात को टेंशन फ्री कर सकते हैं। अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल करें और मजबूत इरादों को फरोग दें। मोहब्बत के मामलात में अपने जज्बात का इजहार करने में आपको मुश्किल हो सकती है। बुरज सौर, आपको अपनी ख्वाहिशात को ईमानदारी से सोचने और तलाश करने की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं जब तक अपनी किसी ख्वाहिश को वाजिया करना आपके हाथ में ना हो तो तब तक इसको हासिल करना भी इंसान के लिए मुश्किल होता है। खुशकिस्मती से मोहब्बत के मामलात में आपके तल्लुकात शानदार रहेंगे। आप ताकतवर सलाहियतों को फरोग देंगे। इस हफ्ते आप कुदरती तौर पर अपनी सलाहियतों के इजहार को बआसानी कर सकते हैं। अपनी सेहत के मामलात को बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। बुरज जौजा, इस बुरज से मुंसलिक अफराद काफी ज्यादा मेहनत करने को तरजीह देंगे। काम के सिलसिले में तजस्सुस आपकी जिंदगी में अहम किरदार अदा करने का बाइस बनेगा। अपनी जिंदगी के हर मामले में आपको खुशियां हासिल होंगी और यही वजह है कि अपने काम से जल्दी बोर नहीं होंगे। आपकी काफी दिलचस्प सलाहियतों में इजाफा होगा। मोहब्बत के मामलात में आपको मुकम्मल तौर पर हैरान करने का बाइस भी बनेगी। साथी की जानिब से अपने जज्बात का इजहार आपको पुरजोश कर देगा। बुरज सरतान, इस बुरज से मुंसलिक अफराद की जिंदगी में आज कोई भी खास तब्दीली नहीं आएगी। इस बुरज से मुंसलिक अफराद किसी हद तक तब्दीली को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन हमेशा आपके जज्बात नहीं होते हैं। कभी ना कभी इंसान को लाजमी तौर पर अपनी जिंदगी में तब्दीली की जरूरत होती है और आप खुद किसी खुशगवार तब्दीली के मुंतजर हैं। आपकी तवानाई थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन इसके बावजूद मामला को जारी रखें। मोहब्बत के मामलात में आज किसी खास शख्स की जानिब से आपको आसानियां मिलेंगी जो आपके लिए बेहतर साबित हो सकती हैं। बुरज असद, आज इस बुरज से मुंसलिक अफराद काफी ज्यादा तख्लीकी सलाहियतों का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए अपने नए रास्ते भी बना सकेंगे, लेकिन कुछ बुजुर्गों की जानिब से दिया जाने वाला मशवरा आपके इस्तराब में इजाफा कर सकता है।
سیاروی محرکات آپ کی وجہ سے آپ کو مضبوط توازن اور پوزیشن پر رکھے گا۔ محبت کے معاملات میں اپنی دلچسپی کو کھو دیں گے اور فوری طور پر خود کو کسی بھی رشتے سے منسلک نہ کریں جب تک آپ 100% تیار نہ ہوں۔ مستقبل کے حوالے سے آپ کو صبر سے کام لینے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ برج سملا، اس برج سے منسلک افراد اپنے مستقبل کو لے کر کافی فوکس رہیں گے اور اب وہ وقت ہے جب آپ اپنے مطابق مستقبل کو فروغ دے سکتے ہیں۔ اس دن آپ کو بہت زیادہ محنت کرنے کی وجہ سے تھکان محسوس ہوگی، لیکن خوابوں کو زندہ رکھیں تب ہی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اپنے ہر کام کو پہلے سے منصوبہ بندی کر کے معاملات کو آگے بڑھائیں اور یہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ محبت کے معاملات میں آج آپ کو شاندار موقع حاصل ہوں گے۔ آپ کی زندگی ایک حیران کن موڑ پر آپ کو لے آئے گی۔ برج میزان، آپ کے لیے آج کا دن کافی فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اپنی زندگی میں کافی زیادہ خوشحالی محسوس کریں گے۔ نجی زندگی کے لیے وقت گزارنا آپ کو فائدہ دے گا۔ کام کے سلسلے میں اچھی کارکردگی کی وجہ سے آفس میں آپ کی پوزیشن مزید مضبوط ہو جائے گی اور ایک خاص وقت کے بعد آپ کے پروجیکٹس کافی زیادہ کامیاب ہوں گے۔ آپ کو بالکل بھی اپنے اعتماد کو کم نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کی مثبت سوچ یقینی طور پر دوسروں کو متاثر کرنے کا سبب بنے گی۔ آپ کو اپنے معاملات میں مزید محنت کرنی پڑے گی۔ برج عقرب، اس برج سے منسلک افراد کو چند ٹینشن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ہر انسان کی طرح آپ کی خواہشات بھی کافی زیادہ ہوں گی، لیکن اکثر بہت سے لوگوں کو آپ جلدی اپنی خواہشات کا اظہار کر دیں گے۔ صبر سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ آپ ہمیشہ ایسے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ بچتوں میں کمی کی وجہ سے آپ کو ٹینشن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آپ کو پرسکون رہتے ہوئے معاملات کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ مالی لحاظ سے اپنی صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ برج کوس، دن کی شروعات میں آپ کا اعتماد کم رہے گا اور اس اعتماد کی کمی کی وجہ آپ کے ساتھی کے ساتھ اختلافات ہو سکتے ہیں۔ اس برج سے منسلک افراد اور ان کے ساتھ عادات میں اختلافات آپ کو پریشان کر سکتی ہے، لیکن پریشان نہ ہوں، یہ تمام معاملات عارضی ہیں، کچھ ہی عرصے بعد یہ تمام معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ مالی لحاظ سے آپ کے لیے زیادہ بہتر وقت نہیں ہے۔ غیر ضروری معاملات پر خرچ نہ کریں، یہ آپ کے لیے کافی فائدہ مند ثابت ہوگا۔ برج جدی، مکمل طور پر آپ کو توانائی فراہم کی جائے گی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کی شخصیت کافی مضبوط ہے۔ آپ مشکل صورتحال میں بھی پرسکون رہنا جانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی عملی اور ہنرمند صلاحیتوں
में कमी नहीं आती है। अपनी सिम्मत को वाजिया करें, बल्कि आप अपने मुआमलात में भी मामलत को वाजिया करें, ये आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। मोहब्बत के मामलात में आपको खुशियां मिलेंगी। कारोबारी लिहाज से आज कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन परेशान ना हो, सब कुछ आरजी है। ब्रज दिलू, अपने काम की पहचान, कोशिशों और संजीदगी की वजह से दूसरों पर अपने एतमाद को तरक्की दिलाने का बायस बनेगा। स्पोर्ट को हासिल करने के लिए बेहतरीन वक्त है। मुस्तकबिल के लिए आपकी तख्लीकी सलाहियतें और नजरियात फायदेमंद साबित होंगे। मोहब्बत के मामलों में अपनी ख्वाहिशात के सिलसिले में आपको सहूलत फराहम की जाएगी। प्यारों के साथ काम करने में आपको मायूसी का सामना करना पड़ सकता है। माली लिहाज से बजट के वसी होने की वजह से अपने प्यारों को खुश करने में कामयाब होंगे। माली लिहाज से आपके लिए फायदेमंद वक्त है। बुरज हौत, अपने मंसूबों को फरोग देने में मुश्किल का सामना हो सकता है। आपकी ख्वाहिशात को मुनज्जम करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अपने नजरियात को हासिल करना आसान होगा। मोहब्बत के मामलों में अपनी पचीदगी को खत्म करने के लिए मजाज में तब्दीली लाने की जरूरत होगी। माली लिहाज से आमदन में अजाफे का खौफ खत्म हो जाएगा। अपनी नींद से बाहर निकलें, आपके लिए रास्ते बहुत बेहतरीन सामने हैं। घरेलू माली मुतालबात के सिलसिले में तवाजन को हासिल कर लेंगे, जो आपके घरेलू माहौल को मजीद पुरसुकून बनाने का बाइस बनेगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारी नए आने वाली वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल एस्ट्रो हीलिंग को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह।